Hey guys, good morning. I'm Indian YouTuber Josna Jaiswal और आज मैं सिखाने जा रही हूँ गजरा कैसे बनाते हैं, जो हम बालों में लगाते हैं ना गजरा, वो गजरा कैसे बनाते हैं। अगर आप लोग कोई नए मेरे चैनल पे आए हैं तो उनको पता ही होगा कि मैं अपने आप कैसे कैसे क्या क्या आप घर पे कर सकते हो वो सिखाती रहती हूँ मेरे चैनल पे। और तो आप पीछे के मेरे वीडियोज़ भी चेक कर लेना, उसमें भी मैंने बहुत अपने आप घर पे क्या क्या सीख सकते हैं, जैसे स्कूटी चलाना कैसे सीख सकते हैं आप लोग, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ रिबॉन्डिंग कैसे कर सकते हैं अपने आप घर पे, आईब्रोज कैसे कर सकते हैं अपने आप घर पे, वो सब मैंने सिखाया है। तो आप मेरे चैनल को चेक ज़रूर से कर लीजिएगा, जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं पर जो नए आए हैं वो मेरे चैनल पर चेक कर लीजिएगा। और गाइस आज हम सीखेंगे गजरा कैसे बनाते हैं। गजरा हर एक के घर में आजकल फूल तो आते ही हैं भगवान के लिए, तो उसमें से जो छोटे छोटे फूल रहते हैं उसको मिला के गजरा कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए गाइस सीखते हैं गजरा कैसे बनाया जाता है, बालों में लगाने का गजरा। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ कि गजरा कैसे बनाते हैं। इस तरह के फूल लेने के हैं और इस तरह से मैंने स्टार्ट किया है गजरा बनाना, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ। ये ऐसी सुतली टाइप धागा रहता है इस तरह से, तो हम ये इसको अभी गजरा बनाएंगे। तो इस तरह से बना के इसको गांठ बांधेंगे। देखिए इस तरह से गजरा बनाने के लिए हमने ये रस्सी को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे फूल रखेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। बस गाइस सिर्फ फूल रखने हैं और गोल गोल घुमाना है वो धागे को। देखिए गाइस 2 मिनट में कितना अच्छा इतना बड़ा गजरा हो गया। सिर्फ फूल रखना है और वो नीचे वाले धागे को ये वाले धागे में घुमाना है इस तरह से। मोटा वाला धागा इस तरह हमारे हाथ में पकड़ा रहेगा, ये वाला मोटा वाला धागा जो हमने बनाया है इस तरह से, मोटा वाला धागा और ये पतला वाला धागा, इसको हम घुमा रहे हैं और मोटा वाला धागे को पकड़ के बैलेंस लेके हम
गाइस, आपके घर में फूल वगैरह तो आते ही होंगे, तो आप इस तरह से गजरा बनाना सीख सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ धागा हाथ में पकड़ना है, उसको गांठ मारनी है और इस तरह से फिर गोल गोल फूल रख के दो धागे की मदद से उसको घुमाते जाना है। आप फ्लावर्स ले सकते हैं, इस तरह से कलियां ले सकते हैं, कली का भी गजरा बहुत अच्छा बनता है। गाइस, ये फूल मैं लेके आई थी, फिर फूलों को मैंने ऐसे केले के पत्ते में ही, उसने मुझे दिया था फूल वाली ने, तो मैंने उसको केले के पत्ते में ही रखा था कि वो ख़राब ना होए, फूल मुरझाए नहीं। इस तरह से गजरा आधा बना हुआ है और ये आधा बन रहा है। देखिए गाइस, कितना सुंदर गजरा बन के इस तरह से इतना बड़ा गजरा मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। देखिए, ये दो धागे हैं, ये मोटा धागे के आसपास हम फूल घुमाएंगे और इसकी मदद से हम उसको बांधेंगे। ना ही आपको गाइस गांठ मारनी है, ना कुछ करना है, बस इस तरह से आपने गजरा बनाना है। और लास्ट में इसको इस तरह से पूरा गांठ मार देनी है। आपको जितनी बड़ी साइज चाहिए उतनी बड़ी साइज आप बना सकते हैं। जॉइंट करें तो इस तरह से लास्ट में आपको गांठ मार देनी है, तो आपका गजरा बनके रेडी हो जाएगा। बस गाइज, इस तरह से आपने गजरा बनाना है और लास्ट में इस तरह से गांठ मार देनी है, आपका गजरा बनके इस तरह से पूरा रेडी हो जाएगा।
देखिए आपको चाहिए उतनी बड़ी साइज़ का गजरा आप बना सकते हैं। ये दो दो गजरे रेडी हो गए हैं। इस तरह से आप गजरे बनाना सीख सकते हैं। तो गाइज़ आपको मेरा ये स्टाइल कैसा लगा गजरा बनाने का, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको पसंद आया कि नहीं। तो गाइज इस तरह से आप बालों में भी गजरा लगा सकते हैं, देवी को भी गजरा चढ़ा सकते हैं। कैसा लग रहा है, कैसा वाटते घर, छान वाटते ना? तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, हाउ टू मेक गजरा। तो आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा और आप और भी ऐसा कुछ नया नया सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइए और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर से कीजिए। आप शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, तो कोई सीखना चाहता है तो सीख सकता है। और गाइस मिलते हैं इसी तरह से नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। Bye-bye.